प्रदेश निस्संदेह अनलॉक हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश की जनता कोरोना के डर से अपने घरों से बाहर नहीं निकल रही है। सोलन भी इस डर से अछूता नहीं रहा है। यहां भी लोग अपने घरों से बहुत जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वे आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते निजी हो या सरकारी सभी बसें ज्यादातर खाली आ जा रही हैं। प्रदेश सरकार ने 100% क्षमता से बसें चलाने की घोषणा तो कर दी है, किंतु उसके बावजूद भी ऑपरेटर खाली बसें चलाने पर मजबूर हैं। बस चालकों को परिचालकों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सोलन वासी कोरोना संक्रमण से बेहद डर चुके हैं, इसलिए वे अपने घरों से बाहर नहीं आ जा रहे हैं, जिसके चलते उनकी अधिकांश बसें खाली ही जा रही हैं। केवल कर्मचारी ही मजबूरी में उनकी बसों में सफर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब तक स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे तब तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। उन्होंने कहा HRTC को भी बसों के चलाने से बेहद नुकसान उठाना पड़ रहा है, केवल पेट्रोल का खर्चा ही इससे पूरा हो पा रहा है। चाइना के खिलाफ नागरिकों में काफी रोष व्याप्त है, इसका असर सोलन में भी देखा जा रहा है। वे भी चाइना का खुलकर बहिष्कार कर रहे हैं। इस बहिष्कार का सबसे बड़ा असर राखी के त्योहार पर पड़ा है, जिसमें लोग अब भारतीय राखी को ही खरीद रहे हैं। चाइना की राखियों की मांग कम होने के चलते दुकानदार भी अब चाइना में बनी राखियों को बेचना पसंद नहीं कर रहे हैं। राखी के त्योहार पर चाइना में वस्तुओं के बहिष्कार से साबित कर दिया है कि भारत की जनता के दिलों में देश का सम्मान सर्वोपरि है और उनमें देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा है। अधिक जानकारी देते हुए राखी खरीदने आए ग्राहकों ने कहा कि चाइना को सीख देने का समय आ चुका है, इसलिए वे चाइना के बने उत्पादों का विरोध कर रहे हैं और वे चाइना उत्पादों को नहीं खरीद रहे हैं। वे दुकानदारों से राखी खरीदने से पहले ये पुष्टि कर रहे हैं कि वे उत्पाद कहाँ बना है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी हालत में चाइना का उत्पाद नहीं खरीदना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने राखी के त्योहार से कर दी है। प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस आशीष ठाकुर की अगुवाई में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर जिलाधीश कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर आशीष ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार आए दिन जन विरोधी फैसले जनता पर थोपने से गुरेज नहीं कर रही है। युवा नेता ने कहा कि जहां आज पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, ऐसे समय में केंद्र व प्रदेश सरकार को चाहिए था कि आम जनमानस को राहत दी जाए, पर यह सरकार उसके विपरीत फैसले ले रही है, जिससे आम जनमानस का जीना दुश्वार हो गया है। आशीष ठाकुर ने कहा कि पिछले कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो 25% बसों के किराए में बढ़ोतरी की है, उसका युवा कांग्रेस पूर्ण रूप से विरोध करती है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार हिमाचल प्रदेश में पहली सरकार उभर कर सामने आई है, जिसने अपने 2 वर्ष और 7 महीने के कार्यकाल में बसों के किराए में 50% से ज्यादा बढ़ोतरी की है। युवा नेता ने कहा कि अगर सरकार बस ऑपरेटरों को राहत देने की सोच रही थी तो क्यों नहीं सरकार ने डीजल के ऊपर से टैक्स दर कम कर दी। आज भारत पूरे विश्व में इकलौता देश है जहां सबसे ज्यादा यानी कि 69% टैक्स तेल के ऊपर आम जनता से वसूला जा रहा है। जिसने आम जनता की कमर तोड़ दी है। भारत सरकार 20 रुपए प्रति लीटर की दर से कच्चा तेल आयात कर रही है और 80 रुपए के हिसाब से आम लोगों को मुहैया करवा रही है। आशीष ठाकुर ने कहा कि सरकार को चाहिए था कि ऑपरेटरों के रोड टैक्स में वो कटौती करते ताकि आम जनता को आर्थिक बोझ न झेलना पड़ता। धरना प्रदर्शन के बाद आशीष ठाकुर के नेतृत्व में युवाओं ने ADM बिलासपुर बिने दीवान से मुलाकात की और उनके माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि वो खुद इस मसले में हस्तक्षेप करें और प्रदेश सरकार को निर्देश जारी करें कि जल्द से जल्द बसों के किराए की वृद्धि के निर्णय को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए ताकि आम जनमानस को राहत मिल सके।
दशकों से मंद खड पर पुल निर्माण की बाट जो रहे सात गांवों के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय धर्मशाला का रुख किया। डीसी कांगड़ा से पुल निर्माण की गुहार लगाने पहुंचे जयसिंहपुर उपमंडल के अंतर्गत कुरु बसु कोटलू गाड़ पजलहेड बंगलाल और केलन के ग्रामीणों का कहना था कि कई सरकारें आई और गई, कई नेता भी आश्वासन देते आते रहे, लेकिन किसी ने भी हमारी समस्या को नहीं समझा। वजह है कि सात गांवों के ग्रामीण आज भी पुल ना होने के चलते बाजार, स्कूल, बैंक सहित अन्य कार्यालयों हेतु जाने के लिए खड्ड पार करने को मजबूर हैं। कई हादसे भी हो चुके हैं, कई लोग बह भी चुके हैं। सड़क से जाना हो तो 8 से 10 किलोमीटर का लंबा अतिरिक्त सफर तय करना पड़ता है। बसु गांव के दीपक डोगरा ने कहा कि मन खड्ड पर पुल ना होने की वजह से काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। कई बार पुल की मांग उठाई गई, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। साथ गांवों के लोगों के लिए बाजार सहित अन्य कार्यों के लिए खड्ड पार करके जाना पड़ता है। कई बार हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन पुल नहीं बना। अब हम डीसी कांगड़ा से मिलने आए हैं कि पुल का निर्माण किया जाए। इसी कड़ी में 24 जुलाई को कोटलू बाजार में धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। ग्रामीण महिला चंपा शर्मा ने कहा कि हमारा जीवन काले पानी जैसा है, दवाई लेने में भी हमें खड्ड पार कर जाना पड़ता है। अब तो हम यही कह सकते हैं कि सरकार हमें गिरफ्तार कर ले, नेता लोग काम नहीं करते लेकिन इनकार भी नहीं करते। बार बार के आश्वासनों से तंग आकर आज हम यहां आए हैं। ग्रामीण महिला बीना देवी ने कहा कि वर्ष 1973 से समस्या पेश आ रही है। हमारे बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। हर कोई कहता है कि हो जाएगा, मजबूर होकर यहाँ आना पड़ा। अपनी मांग मनवाने के लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे, ऐसे में प्रशासन हमें गिरफ्तार ही करेगा।